सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे द क्वींस ऑफ टीयर के बेस्ट एंड रोमांटिक सीन। ये वीडियो कम्प्लीटली रोमांटिक होगा। अगर आपने नहीं देखी तो एक स्पॉइलर भी हो सकता है, मतलब ये सीन आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे इनकी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री किस तरह की है, तो ये मैं आपको बता दूं। पर हो भी सकता है आपको ये कुछ क्लिप्स या एडिट्स तो आपने इंस्टाग्राम पे देख रखी होगी, ये मैं बता दूं। क्या पता आपको सीन देखे हुए हो, पर हम आज साथ मिलकर देखेंगे इनके रोमांटिक सीन, ये क्वींस ऑफ टीयर्स। अब आने वाले दिनों के अंदर लेटेस्ट जो के ड्रामा है ना, जो बिल्कुल अभी उतरे हैं, लव नेक्स्ट डोर, नो गेन नो लव, उनके रोमांटिक सीन बेस्ट सीन हम रिएक्ट करेंगे, तो ये स्पॉइलर टाइप चैनल बनेगा। तो बेस्ट सीन आज हम रिएक्ट करेंगे क्वींस ऑफ टीयर के। इसके बाद हम करेंगे द फ्रॉग, द फ्रॉग करेंगे या लव नेक्स्ट डोर, जो भी आप बोलेंगे वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आने वाली वीडियो का आप टॉपिक किस तरह होगा, आप रिव्यू भी होंगे, रिएक्शन भी होगा, साथ मिलके हम चलेंगे। सो 3 2 एंड स्टार्ट। अखबार पढ़ने का तरीका है बाबा, फुल फोकस कर रहा है। ये क्या? क्या तुम खाली पेट कॉफी को हाथ भी नहीं लगाते और अब एस्प्रेसो पी रहे हो? स्मार्ट दिखने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और कितने फिट हो इसका शो ऑफ करने के लिए अपने फोरआर्म्स के मसल दिखा रहे हो? बिल्कुल सही। थोड़ा मसल बिता रहे हो। मैं बिल्कुल यही करना चाह रहा हूं। मतलब तुम ऐसा बर्ताव इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमने शादी रजिस्टर नहीं करवाई है? पर हम शादीशुदा हैं, तो ऐसे शो ऑफ करना बंद करो और चुपचाप अपने स्लीव्स नीचे करो और हमेशा की तरह स्क्रैम्बल्ड एग और केचप वाला ब्रेकफास्ट करो, समझे? नहीं करूंगा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगा। क्या? तुमने उस दिन कुछ कहा था, याद है? तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? तुमने वो सुन लिया था? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम सर्जरी ना करवा के क्या खोने वाली हो। हम बंदी को इंप्रेस करेंगे भाई, तुमको पता लगे तुमको खो रही हो। मैं जरा फ्रूट्स लेकर आता। हैंडसम है भाई, कसम से मानने वाली बात है। देखो देखो कैसी अप्सरा देख रही है। मैं क्या करूं? मेरा शोहर जा रहा है, मैं क्या करूं? यार एक बात बता, ये जो इसने अभी हाथ यहाँ रखा है, मैं एकदम दिखा देता हूँ। ये मैंने बहुत किए ड्रामा में, मतलब जितने देखे एक आइडिया हो जाता है। जब लड़कियां कंफ्यूज से शर्माती है तो ऐसा क्यों करती है भाई? ये देखना, हो गाल थोड़े लाल होते, यूं करते, क्या मतलब इसका, क्या मतलब होता है ये मेरे को बताना है? शर्माना है, कंफ्यूज होना है, किसका ज्यादातर मैंने लड़कियों के अंदर क्यों होता है भाई, ये मेरे को थोड़ा बताना यार। मेरी फीमेल ऑडियंस ज्यादा, मैं इसलिए ज्यादा पूछ रहा हूँ। करो और पहले ये बटन्स बंद कर दो, तुम्हें इतना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो कहा करूं। ना, नीचे करो। नहीं करूंगा। देखो जल इससे बात कुकड़ा आ गया, करो, कोई कबाब नया में काम जल्दी कर हड्डी। दो। अगर इस सीन की मैं बात करूंगा, ये मेरा एक तरह से जैसे सीन आया तो मुझे तो पहली बार देख रहा था ये सीन मुझे देखा हुआ। पर इस सीरीज को ऐसा है, अगर आपको कुछ कैरेक्टर की ए टू लेकर जेड तक कंप्लीट डिटेल किसी देखनी है ना, वो ये है। इतने प्यारे रोमांटिक और यूनिक सीन, मतलब आपने कहीं नहीं देखे होंगे। और ये सीन मेरा जो इससे पहले आया था,
मैंने इसको, ये प्ले हो गया, मैंने इसको फिर दूसरी बार देखा, क्योंकि मेरे अंदर तो वो पूरा कैरेक्टर बना हुआ था ना कि कैसे पहले टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते थे, उसके बाद ऐसा सीन आ रहा है कि भाई बता रहा है तुम जिसको खोने वाली हो, तुम्हारे जाने के बाद लड़कियों की लाइन लगेगी, तो एक सवाल पैदा करना। मैंने कहा बड़ा राइटर ने जो है ना यूनिक वे लिखा है, ये सब मैं चिढ़ाऊंगा उसको। तो ये मेरा एक फेवरेट सीन रहा। अभी चलते हैं दूसरे सीन की ओर। सो 3, 2, एंड स्टार्ट। जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा बेशरम निकले तुम। तुम मेरी फैमिली के साथ मिले हुए हो ना, ऐसे क्यों पीछे पड़े हो? केन, अपनी जुबान से मेरा नाम मत लो, अपनी आंखों से और आवाज से मुझे तुम पहले ही बेवकूफ बना फुल चुके हो, बेइज्जती हो रही है भाई। पर अब और नहीं, आज के बाद मुझे कभी मत मिलना। क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो बेख्यौनू। एक मिनट, इस पर मैं वापस लूंगा, मैं भूल चुकी है, मैं तो स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर इनका रिलेशन बच ना होने के बराबर है। मैं स्पॉइलर दे ही दूं सबको समझ में क्या ही आ जाएगा, याद भी नहीं इसका कौन है, फिर भी जो आवाज में था ना, ऐसा मत करो बेक्यान। तो हैंडसम आदमी हो तो फिर भी बंदा बोल लेता है, तूने बात पकड़ा है, अगर कोई और तो देख घुमा के देती, आवाज सुनना। ऐसा मत करो बेख्यौनू। वाह, पर्स अटका है दीदी, और दीदी नहीं वो मतलब मैं नहीं। हम चाहे कहीं भी हो, इस तरह का बर्ताव सही नहीं है। पीछे मुड़ के तो जाने देखो, दो मुझे। बेइज्जती हो गया लाइव, हैंडसम में छिछोरा नहीं है भाई वो। देखो हेन, अगर तुम जिंदगी में और पछताना नहीं चाहती तो बेक्योनू को हाथ से मत जाने देना। चीज ही ऐसी है भाई, और जोर से लिखती तो ये पेपर ही फट जाता। बहुत जरूरी बात होगी, मेरी जान दांव पर लगी थी, और सर्जरी करने के बजाय मुझे इस बात की इतनी फिक्र हो रही थी। वैसे ऑब्जर्वेशन करना, समझ सकती हूँ क्यों, वन इन पीस है ना भाई। बात तो है, तुम कुछ नहीं करोगी तो भी मैं दूर नहीं जाने वाला। इसने ये सब कब देख लिया? फ्लर्ट कर रहा है। मैं क्यों नू? नाटक मत करो। देखो, यहां जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे पूरा यकीन है। लाल पेन से ये मैंने नहीं लिखा है, पुरानी है इनने लिखा है, बहुत अर्जेंसी में लिखा होगा। तो तुमने जवाब मुझे क्यों दिया? हाँ, लिखा तुम हंस तुमने रहे था हो, ना। मैंने देख लिया, अब उठ जाओ। क्या हुआ? नाटक मत करो, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो ना, ये कहां से सीखा? मुझे हंसाओ मत यार, हंसता हूं तो दर्द होता है। तो हंसो मत और मुझे जवाब दो। ऐसा लगता है मेरी याददाश्त चली गई है, इसलिए तुम मुझसे काफी झूठ बोल रहे हो। मैंने कब झूठ बोला? देखो, तुमने अब तक मुझे सिर्फ ये बताया है कि तुम बहुत हैंडसम हो, तुमने देश के बड़े लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया है, और तुम स्कूल में बॉक्सिंग बॉक्सर भी चैंपियन हुआ है। करते थे, और तुम मरीन कोर में सर्विस कर और चुके हो। कोई आम मरीन कोर नहीं,
स्पेशल फोर्सेस में था। वही ये तो तुम भाई बोलेगा। कह रहे हो बचपन से तुम हर चीज में माहिर हो, यानी परफेक्ट पैदा हुए थे। जरा मेरी तरफ देखो। हाँ, देख रहा हूँ, बोलो। मतलब मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो, वो सब ठीक है, पर दुनिया में इतना परफेक्ट कोई नहीं होता। मतलब अब क्यों हो नहीं सकता क्या? और नहीं तो क्या, तुमने वो सब चुना जो मुझे एक पार्टनर में चाहिए था। ऐसा क्या? तो मतलब तुम्हारे हिसाब से मैं परफेक्ट पार्टनर हूँ? दूसरी बार मोहब्बत हो रही है। देखो बेक्योनू, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम चाहते हो कि मैं भी करूँ, पर तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो झूठ बोलना बंद करो और सब सच बता दो। मैंने सब सच ही तो बताया है। तुम सच बोल रहे हो? चैंपियनशिप जीती है? ये क्या, तुम्हारा इस तरह हंसना मुझे बहुत पसंद आ रहा है। दूसरी बार मोहब्बत हो। तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, मुझे कुछ याद ना होने का फायदा उठा रहे हो। ये ड्रामा ऐसा था कि दिल लिया था कि इनका और भी ऐसे सिचुएशन दिखाते हैं, जितनी दिखाए इतनी काफी भी थी, पर ये था कि सीजन टू आए, एंडिंग ऐसी कि सीजन टू शायद ना ही आए, ना शायद क्या नहीं आएगा। पर बड़ा ही प्यारा ड्रामा था, और इसके अंदर मुझे ये भी याद है, अगर आप चाहोगे ना एक्शन वीडियो में रिएक्ट करूँ, तो एक भाई का डायलॉग भी था, मार खा कर ना, मतलब जब वो हैन बोलती है मैं तुम्हें मार खाने वाले लगता हूँ, मैं मार कर भी आया, सर खा कर नहीं आया, मार कर गया। बाद में पता चला भाई बॉक्सर है भाई, ये मार खाने वालों में से नहीं, मार देने वालों में से। ये था इनके रोमांटिक सीन। ऐसे ही वीडियो हम लेटेस्ट के ड्रामा की रिएक्ट करेंगे अगर आप चाहेंगे, पर ये मुझे देखा हुआ था, इसको भाई जितना देख लो बड़ा प्यारा है। ये कुछ ऐसे इसके सीन है, कुछ और भी इसके अंदर जो इसके अंदर नहीं है वीडियो के अंदर, बड़े प्यारे में देखने में। पर जो आने वाले होंगे वो मैं नहीं देखूंगा, वो कोई और मुझे कट करके दे देगा तो मेरे लिए रेंडम होगा, सिर्फ मुझे स्टोरी बता देगा थोड़ी बहुत कि भाई ऐसा है ऐसा ऐसा है, कि बाद में मैंने के ड्रामा वैसे भी देखना है। और आने वाली जो वीडियो है, मैंने BTS वाली वीडियो में बोला था, अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस चैनल पे के ड्रामा होगा रिएक्शन ऐसे बेस्ट सीन, के ड्रामा रिव्यू होगा, तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स करके बताना जरूर कि मैं करूं कि नहीं करूं। और के पॉप भी होगा, BTS भी होगा, तो कमेंट बॉक्स अभी लाजमी करना, आपके कमेंट बॉक्स के रिलेटेड भी होगा, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी हो तो वो भी बता देना। पर एक काम जरूर करना, वीडियो को लाजमी लाइक करना, और एंड तक अगर देख रहे हो तो बताना जरूर कि भाई वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।